आई हैं और कोई भी स्कूल नहीं गया। शौक़ था पढ़ने का, स्कूल का भी और कुरान की तलीम का भी शौक़ था, लेकिन इतनी घर में गुंजाइश नहीं थी तो पढ़ा नहीं गया, कुछ भी नहीं पढ़ा गया। मैं कंगरपुर से रहने वाली हूँ और इधर मेरी शादी हुई है काने में। मेरे मियाँ की स्पेयर पार्ट की दुकान है। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। शादी होने के बाद हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप कुछ आप करें, मैं भी कुछ करती हूँ। और मैंने फिर सिलाई सीखी, सीखकर और मैंने कुछ सिलाई की और पैसे इकट्ठा किए, कुछ बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और हमारे हालात जो अब भी इतने नहीं हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि हम गाही सेंटर खोल रहे हैं तो हम बड़ी बड़ी औरतों को पढ़ाएंगे, भी सब चीज़ें मिलेंगी आपको, आप आना चाहती हैं तो आप आ सकती हैं। तो मैं बहुत खुशी हुई कि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे, हम ये मौका कभी नहीं हाथ से जाने देंगे। पहले भी मैं सिलाई करती थी, लेकिन मुझे हिसाब किताब करना नहीं आता था, तो अब मैं सिलाई करती हूँ, मुझे हिसाब किताब करना आता है, कितने पैसे मैंने रखे हैं और कितने मैंने खर्च किए हैं और मैंने कहाँ इस्तेमाल करने हैं कहाँ नहीं करने, वो भी मुझे हिसाब किताब करना आ गया है और आगे से काफ़ी बेटर है। हमारा वक़्त बीत गया और हम नहीं पढ़ सके, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी कुछ बनाएंगे। जी हम जब गाही सेंटर में आना शुरू किया और सहेलियाँ भी बन गई और एक दूसरे से बातें की, दुख सुख बांटा और अब हमारी दोस्तें भी हैं। तो पहले मैं कभी भी नहीं वाइद नहीं जाती होती थी, कभी किसी के घर में भी नहीं जाती होती थी, तो अब मैं चली जाती हूँ अपनी सहेलियों के पास भी और एक दूसरे से दुख सुख बांट लेती हूँ और दिल को सुकून हो जाता है, मिल जाता है।